लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल जोर लगा के और दबा के तेल लगा के लगा के अंदर वाली बाहर वाली नखरे वाली मूछों वाली वालिद वाली साफ ने बोला अरे फिर से बोला कसकर बच्चे काम पे लग जा जल्दी लग जा। अरे कुत्ता फिर गंदा हो गया। ये तो मेरे मंगल की निशानी है। तुझे ये जेबो वाला पजामा किसने दिया? मिला है, मंगल ने दिया है। मंगल कहाँ है? मंगल तो परियां ले गई उसे अपने देश। तुझे नहीं लेकर गई? मैंने भी उसे कहा कि मुझे भी साथ ले जा, लेकिन उसने मुझे कहा शट अप, आई एम द टाइम द टाइम द टुर रुरु टुर। मंगल इसे पहचाना? ये तो हनुमान मुन्ना है। मैंने पहचान लिया। लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही परियों की रानी है ना जो हमारे मंगल को अपने साथ ले गई थी। आई एम द टाइम द टर्टल। चल मंगल, माँ से मिलते हैं। कौन है? हैं? कौन हो तुम? अरे अरे तू तो बढ़ता ही जा रहा है, तू है कौन? तू तो मेरा मुन्ना है। माँ, मुझे पता था कि तू मुझे देख के ही पहचान जाओगी। कैसा है तू? मेरा मुन्ना। मंगल देख तो कौन आया है। अरे मंगल तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। खैराती कह रहा था परियां उसे अपने साथ ले गई। अब तू ही बता मुन्ना, वहाँ तो पल्लेदारी होती नहीं, ये वहाँ क्या करता होगा? माँ मैं आ गया। माँ बदमाश, कहाँ चला गया था तू? अरे माँ मैं तो मुन्ना के साथ था। जानते हो कितना बड़ा आदमी है ये, कितना बड़ा घर है और कितने सारे कारखाने हैं। और बस बस बस, कितने लोग इसके लिए काम करते हैं। ये कौन है? माँ जी ये परियों की रानी है जो मंगल को साथ ले गई थी। माँ ये मेरे डैडी के दोस्त की बेटी है। नमस्ते माजी। चुक चुक जी, कितनी खूबसूरत है तू, तो सचमुच परियों की रानी है। हाय शालू। हाय। ये गांव कैसा लगा? वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। और माँ? वो तो ममता की देवी है। हाँ, और वो अपना मंगल? बहुत अच्छा अच्छा है, मगर दिल का थोड़ा कठोर है। दिल का कठोर? और मंगल? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। फिर उसने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? चिट्ठी दी थी। हाँ,
कौन सी भाषा में? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अंग्रेजी और किसमें? क्या हुआ? कुछ नहीं, कहना कहना के शालू जब से मंगल एमडी बन गया बहुत बहुत बिजी हो गए। कभी फैक्ट्री जाता है, कभी बिजनेस प्रपोजल बना रहा है, कभी मीटिंग अटेंड करता है। यू नो ही इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट पर्सन। और अंग्रेजी में वाह, अरे अंग्रेजी में तो उसका कोई हाथ ही पकड़ नहीं सकता। फिर भी यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। कौन सी चिट्ठी? अरे वही चिट्ठी यार जो शालू ने तुझे भेजी थी। हाँ उसने दी थी। चल चल निकल, ये ले। तुझे पता है इसमें क्या लिखा है? अंग्रेजी आती तो पता होता ना। इसमें लिखा है आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओए ओए, प्यार करती है? प्यार करती है? मेरे दिल में बहुत प्यार करता हूँ ना, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अरे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे पता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुन्ना, बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुन्ना, तू तो बहुत अमीर है। हाँ मैं एक पल्लेदार हूँ, हम दोनों का मेल कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, इश्क ना पूछे दिन धर्म, इश्क ना जाने अमीरी गरीबी। मैं कहता हूँ जा जाकर पढ़ जा। मुबारक हो, जोड़ी हमेशा सलामत रहे, दूध हो ना हो पूतो फलो, भंडारे भरी रहे, देगे पकती रहे, नियाजे बटती रहे। पाए लागू दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पोते और अपनी बहू को आशीर्वाद दे दिया। अरे आशीर्वाद तो है ही, मगर तू अपने अपने इस दादाजी के लिए भी तो कुछ सोच। क्या तू चाहता है तेरे दादाजी कुमारे ही मर जाए? नहीं दादाजी, आप कहें तो आसमान से हूर उतार कर अपनी दादी बना लूं। मुझे हूर वूर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी मैना चाहिए, मेरे बचपन का प्यार। मैना? अरे जमुना मौसी की बेटी। हाँ। माँ जिंदाबाद। हाँ? माँ इसका हल निकालेगी। मुन्ना और मंगल की माँ जिंदाबाद। क्या बात है, बड़ी चापलूसी हो रही है माँ की। हाँ मुन्ना ने मेरे लिए दादी ढूंढ ली है। दादी क्या मतलब? उन्होंने मुझे और शालू को दादा बन के आशीर्वाद दिया है, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, दूधो नहाओ पूतो पहलो। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ माँ, तेरी और शालू की जोड़ी खूब सजेगी, मुझे पसंद है। माँ मेरी जोड़ी तो पसंद है, मगर मुन्ना के लिए भी उसकी पसंद ला दो ना। मुन्ना? उसने किसे पसंद कर लिया है? वही जमुना मौसी की बेटी मैना। ओ मैना, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अरे जमुना सालों से इसका इंतजार कर रही है कि कब मेरा दामाद आएगा और उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैंने कहला भेजा है कि मुन्ना आ गया है, लेकिन जमुना का कहना है उसकी चिंता तभी दूर होगी जब मैं खुद अपने बेटे को लेकर वहां जाऊंगी और अपने हाथों से उन दोनों की सगाई करूंगी। मैं कल ही दोनों की सगाई कर दूंगी। यशोदा बहन, अब सगाई तो हो गई, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। मौसी। हाँ? शादी तो मैं उसी वक्त करूंगा जब दीदी विदेश से लौटेंगी। आज तेरे दोनों भाई गांव से वापस आ रहे हैं। पर मेरा तो एक ही भाई है मुन्ना। तेरे उस बेवकूफ भाई मुन्ना ने मंगल को भी साथ मरने के लिए बुलाया है। तो मुन्ना अकेला नहीं है, मंगल भी उसके साथ है। हाँ। और जिस तरह हमने तेरे बाप को मारा था ना, उसी तरह हम उन दोनों को भी मार देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, लोग समझेंगे कि एक हादसा था। हेलो, आप बोलो लिली। उनकी कार पहुंच गई है। दोनों गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। अब वो उसी गली की तरफ जा रहे हैं। मंगल, यहीं पे नई फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। दोनों दीवार के नीचे बुरी तरह से दब गए हैं। शाबाश लिली, शाबाश।
तेरे दोनों भाई दीवार के नीचे दबकर मर गए हैं। तू उन्हें जिंदा देखना चाहती थी ना जिंदा? लाश को देखेगी ना तो उनकी शक्ल को भी नहीं पहचान पाएगी। रो और रो, तेरे नसीब में लिखा है रोना। रो और रो। बेहोश हो गई साली। रघुवीर। हाँ बोलो लिली। मुन्ना दीवार के नीचे से जिंदा निकल आया है। मंगल, अपने आदमी उसे खींच कर अंदर ले गए हैं। कौन हो तुम लोग? ओह नो, अब मंगल भी ईंटों के नीचे से निकल आया है। रघुवीर क्या बकवास कर रही हो तुम? मंगल बचाओ मुझे। ओह माय गॉड, मंगल। मुन्ना। अब मंगल मुन्ना की आवाजें सुनकर अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा है। मंगल बचाओ मुझे। तू ठीक है ना? बचाकर बाहर ले आए रघुवीर। मंगल मंगल मंगल, साला मंगल मेरा दुश्मन। मेरी जन्मपत्री में क्यों लिखा हुआ ये? क्यों लिखा हुआ ये? डॉक्टर साहब, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। बस ये चमत्कार ही है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए बेटे। मगर बेटे, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं था अंकल, मुझे और मंगल को मारने की साजिश थी। साजिश? तुम्हें मारने की साजिश? कौन कर सकता है ऐसी साजिश? तुम चिंता मत करो बेटे, मैं उन कमीनों की खाल उधेड़ दूंगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मेरा यार मंगल मेरे साथ है। Hi, Dad. Hey. Oh, no. How are you, Dad? How are you? How are your journey, beta? Oh, it was nice, but a little tiring, though. बहुत अच्छा किया बेटे जो तुम अमेरिका से वापस लौट आए। इधर तुम्हारे पैर इस घर में आए हैं, उधर मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है। कैसी स्कीम, Dad? बेटे, मैंने तेरे बड़े भाई को तो 1 करोड़पति का दामाद बना दिया है। अब तू देखता जा, तुझे भी उतने ही बड़े आदमी का दामाद बनाऊंगा। बताओ। Of course, just wait, देखते जाओ, देखते जाओ। हेलो हेलो जयप्रकाश जी,
मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो भाई सुंदरलाल, बहुत दिनों बाद याद किया, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है सेठ जी, आपके घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो, बोलो ना क्या बात है? सेठ जी शालू बेटी अमर राय से शादी नहीं कर रही है, बल्कि वो एक जंगली जाहिल और गवार मंगल नाम के पल्लेदार के इश्क में गिरफ्तार है। क्या बकते हो सुंदरलाल, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ सेठ जी, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। सुंदरलाल अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या बात है? तुम्हारी बेटी वहाँ किसी मामूली पल्लेदार के साथ रंगरलिया मना रही है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ।